स्वच्छता हो या स्मार्ट सिटी, वाटर प्लस वैक्सीनेशन के मामले में देश में अव्वल रहे इंदौर ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि प्राप्त की है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में इंदौर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 3 दिसंबर 2021 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इंदौर जिले को इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंदौर ने यह उपलब्धि पाई है। यहाँ स्थापित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से 45,000 से अधिक दिव्यजनों को उपचार एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान की गई है। पुनर्वास केंद्र के जिले में शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM और दिव्यांग जनों के साथ बेहतर संपर्क बनाने के लिए समय समय पर ट्रेंड किया जा रहा था। इंदौर में ज्यादा से ज्यादा दिव्यजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड का वितरित भी किया जा चुका है। जिले में संचालित किए जा रहे 32 स्पेशल स्कूलों में 3,200 से अधिक दिव्यांग छात्र छात्राओं को ट्रेंड किया जा रहा है और इसी दिशा में दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए 2 हॉस्टल भी बनाए गए हैं।